नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास एक गाड़ी तो अभी वो लगी पड़ी, बाकी ये माल उतरा है, बीज के माल चेक किए जा रहे और यहाँ पर भरे जा रहे हैं जी। बाकी मेहमान भी आए, कहाँ कहाँ से आए, ये तो अपने इंद्री वाले ही हैं जी। वो बाऊ जी राम राम जी। राम राम दाना जी, कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया। और बताओ ये क्या कचूरवा इकट्ठा कर रखा जी सारा का सारा जी? ये जी वो शंकर सुपर शंकर चेक करवावा डॉक्टरी भाई, किसी को भेजूंगा तो बिना चेक किए मैं भेजता नहीं। अच्छा जी, क्योंकि आजकल सबको सारा ही सुपर शंकर लग रहा है, और जब तक मैं नहीं चेक करता मेरे को नहीं समझ आता, मैं नहीं देता। पोस्टमार्टम करके इसका फिर देख के। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, असल में चेक करके जी। अब किसी के लिए क्या बोले, लोग मिक्स भी ला रहे हैं, शंकर को सुपर शंकर करके बेच रहे हैं, उनका वहाँ बिक रहा है, जो सीधे लोग जा रहे हैं उनको लग रहा है यहाँ भी बिक जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बिना चेक किए देता नहीं जी। ठीक है, शंकर है तो शंकर है, सुपर शंकर है सुपर शंकर। वहाँ का रेट तेजी ज़्यादा है जी, लोग पहुँचे हुए हैं, और जिस भाव बेच लो, जैसा भी बेच लो, मिक्स करके बेच लो, सब चल जाता है। ठीक है जी। हाँ, आज की ये मेहमान जी कहाँ थे जी? मेहमान यूपी के हैं सब, बीज लेने आए हुए हैं। अच्छा जी, अब यूपी वाले सब जागरूक हैं, यही सुपर शंकर लेने के। हाँ, यूपी से कमाल कर दिया, इतना किसान आ रहा है बीज लेने। हाँ जी, क्या पूछे नहीं। अच्छा जी, बहुत दुनिया आ रही है। और भाई साहब को तो कई चक्कर हो गए जी, सीधा अभी के पास जाते हैं गाड़ियाँ तो। हाँ, आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? गाड़ियाँ तो जी आज 5 ही हैं सिर्फ। हाँ, क्या बात जी? अभी तो सब वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रखे हैं, चाइना वाले जो चाइना का धंधा कर रहे हैं। हाँ जी, वो थोड़े से डिस्टर्ब है। अच्छा जी, क्योंकि धरपकड़ हो रखी है ज़्यादा, कल भी कई जगह छापे पड़े हैं, कोयम्बट में भी कह रहे हैं धरपकड़ हुई है, और नेपाल बॉर्डर में बहुत धरपकड़ हो रही है। अच्छा जी, ट्रेनों में जो माल जा रहा था वो पकड़ा जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात की, कल एक वीडियो वायरल हुआ कि उसमें ट्रेन से पकड़ा और उन्होंने हाथ के डिमोलिश किया उसको, मतलब कि ख़त्म कर दिया उसको। बता रहे थे वो जेसीबी से कह रहे कि हाँ, जमीन में दाब रहे जी। हाँ, क्योंकि असल में है तो बेसिकली इसमें वायरस, और जनता से खिलवाड़ है, जनता की सेहत से, तो उस चीज़ के लिए तो अब देखना ही पड़ेगा ना सबको। तो कल की जो वहाँ पर ये मंडियाँ बंद रही, विरोध बंद रही, क्या कुछ मंडियाँ खुली, कुछ मंडियाँ बंद रही, देखो लोगों ने अपनी भावना तो व्यक्त करनी है ना, वो करेंगे, और वो शायद सरकार सुनेगी भी। ठीक है जी, तो हर एक का अपना अपना विरोध करने का तरीका है। देखो अभी तक इतनी मेहनत की सांसद महोदय ने भी कि संसद में मुद्दा उठाया, उसके बाद भी माल आ रहा है, तो अब यही देखने वाली बात है कमी कहाँ से है। ठीक है जी, कमी कहाँ है यही तो देखनी है। ठीक है जी, और इसी वजह से मैं अब 13 तारीख को मैं भी वहाँ पे 9 बजे पहुँचूँगा मंदसौर में। 13 तारीख को 9 बजे सुबह मैं मंदसौर में होऊंगा। अच्छा जी, वहाँ मकसद ही यही है कि मंदसौर में किस जगह पर? मंदसौर मंडी में, खास मंडी में जी। हाँ, मंदसौर मंडी में होंगे, और उसमें मेन मकसद यही है कि वहाँ पे बैठ के सांसद जी को, जो लोग आएंगे मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वहाँ पे हम ज्ञापन दें। ठीक है जी, भले उनके घर जाके दें, अगर वो हमारी मानते हैं तो मंडी में आ जाएंगे, तो मंडी में सबके साथ देंगे। ठीक है जी। हाँ, और इसके अलावा जी भाई उनको अवगत कराएंगे, इतना माल आ रहा है आ कैसे रहा है, वो भी उसका वो जवाब ले, दुनिया आएगी, दुनिया उनको देने के लिए ज्ञापन कहीं आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, MP की कई मंडियों से आ रहे हैं, तो वो सब आगे चल के तो देंगे। व्यापारी भी आएंगे, खाली किसान ही किसान नहीं सर, व्यापारी और किसान दोनों। हम लोगों ने क्या किया है, व्यापारियों को अलग उसमें बांट दिया धड़े में, किसानों को अलग धड़े में। मैं पहले भी कहा कि भैया एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, व्यापारी और किसान, एक भी पहिया हिलता है दिक्कत आती है, वो साइकिल नहीं चल पाएगी, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो वो दिक्कत है। एक पहिए की साइकिल तो बस सर्कस में चलती है, वहीं घूमती है वो। हाँ, जो आप है वो घूमते हो ना, वो वजन उठाएगी ना सफर तय करेगी, वो चल भी नहीं पाएगी, आप घूमते ही रहेंगे एक पहिए में, जिसको सर्कस में एक टायर उठा के बस वहीं घुमाते हैं। बस बस बस, तो सर सब आ रहे हैं, व्यापारी वर्ग भी आ रहा है, किसान वर्ग भी आ रहा है। देखो
जो बंद किया उसमें भी मुद्दा यही था, सरकार के खिलाफ बंद नहीं हो रहा था, उसमें भी यही मुद्दा था कि सरकार तक बात पहुंचे। ठीक है जी। अब वो था कि बंद के बंद करके हो हल्ला करके पहुँचाए या सीधा सीधा चल के ज्ञापन दें। ठीक है जी। तो हर एक को जिसने जैसे समझ आया उसने वैसे किया, बंद किया कि सरकार तक बात पहुंचे। पहला ये होना चाहिए था, पहले हम ज्ञापन देते, वो नहीं सुनते तो बंद गए थे। मेरा जो दिमाग क्या था, हर एक का अपना अपना था। उन्होंने बंद किया, हमने उसका सपोर्ट किया, मैंने सबको वो बोला भी था, मैंने भी कल छुट्टी टाइप ही रखी थी, आपको इंटरव्यू दिया उसका, मैं वृंदावन निकल गया था कल जी, कल वृंदावन निकल गया था जी, रात को आया हूँ 2:30 बजे। ठीक है जी। हाँ चलो भैया जी, फिर तो आज बहुत बड़े काम पे जाना है तो भगवान से आशीर्वाद लेने जाना ही था। राधा अष्टमी के दिन आपने आशीर्वाद ले लिया जी। हाँ तो राधा अष्टमी तो आज है, कल भी लग गई थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय राधा अष्टमी है जी, जब भगवान के चरणों में बैठ जाओ तभी कोई ना कोई, वो दिन बहुत बढ़िया। नहीं जिसके घर शादी हो जी उसके घर तो 2 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक माहौल बना रहा, शादी रहा जी बस। अब ये बहुत बड़ा काम था जिसके लिए हमने जाना है, तो उस काम के लिए प्रभु का आशीर्वाद बहुत जरूरी था। ठीक है जी। बिहारी जी से मिलाए, उनके आगे अपनी मन्नत मांगाए कि अब जा रहे हैं MP, जिस काम के लिए जा रहे हैं भगवान वो सुन ले। ठीक है जी। और हाथ के हाथ इस पर एक्शन हो जाए, हैंड टू हैंड चाइना लसन जो 2 नंबर से आ रहे हैं वो बंद हो और जो ला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। ठीक है जी। सोयाबीन किसानों का कहना कि 6,000 हो जाए, मैं कहता हूँ 5,052 भी हो जाए, ये तो होएगी, हो नहीं जाए होगी। ठीक है। लेकिन 5,000 भी अगर हो जाती है जितनी जल्दी से जल्दी, तो सबका जो एक मन टूटा हुआ था वो बन जाएगा। ठीक है जी। और इस अगली बार सोयाबीन वैसे ही कम हो रही है, फसलें थोड़ी दिक्कत आई है जो बारिशें पड़ रही हैं, तो सोयाबीन तो आप समझें कि 60 तो होगी अब। चलो। मैं अभी तक 50 बोल रहा था लेकिन भगवान आपका साथ दे 60 हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आज के यहाँ पर कैसे रेट चले जी, क्या पोजीशन है जी, रेटों का बारे में बता दो। रेट तो वही चल रहे हैं, मंडी कम है ज़्यादा है कैसे? देखिए मैं कह रहा हूँ मंडी डिस्टर्ब हुई हुई है, मंडी अभी डिस्टर्ब। ये गाड़ी कहाँ की लगी है? मेरे पे तो नहीं है कोई गाड़ी। और आपके फट मेरे पे वो है, हरियाणा आई थी और वो है छिपा बड़ौदा। अच्छा जी। हाँ भाई आदमी एकदम ऐसे पूछा तो आदमी घबरा जाता है कि मेरे पे चाइना की गाड़ी थे, भाई मेरे पे तो नहीं है गाड़ी। नहीं, ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी, गाड़ी, तो गाड़ी लग रही, बड़ी गाड़ी। ये तो मेरे पास वो आया छिपा बड़ौदा है, ये मारा आया। अच्छा छिपा बड़ौदा बहुत बढ़िया ये। हाँ ठीक है। तो आज के रेट बता दो जी फिर भी एक बार जी। रेट भाई साहब 180 से लेके 300 रुपये की रेंज है, जिसमें सारा मैदानी माल आ गया, MP गुजरात अपना, हरियाणा अपना, पंजाब राजस्थान सारा आ गया। गुजरात तो खैर आया नहीं, गुजरात से जो गाड़ी आई थी वो थी MP की, ठीक है, नाम हो गया गुजरात, जैसे नाम ये हो गया कि गुजरात, बिल्टी गुजरात की, चिट्ठी गुजरात की, माल था MP का। अब जैसे लोग इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन बनता भी है उठाना, कि जो अफगानिस्तान और इराक ईरान से माल आ रहे हैं उसमें चाइना के भी माल मिक्स होके आ रहे हैं, तो वो सब मुद्दों के लिए हम जा रहे हैं कि भाई वो कपड़े बदल दिए, नाम आ गया अफगानिस्तान और उसका चाइना के माल उसमें मिक्स होके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई सारे चोर नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा सारे इम्पोर्टर चोर, जो सही है वो पिस रहे हैं उनके चक्कर में। ठीक है जी। लोग बेचना बंद कर गए उनका माल कि यार कल को इसमें साला मिक्सिंग हुआ और हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है जी। भाई ये पूरी अब ना जो इन्होंने किया, एक काम तो बढ़िया किया था कि हर गाड़ी पे ये पूरी डबल ड्यूटी ले रहे थे। ठीक है जी। फुल ड्यूटी ले रहे थे कि 30 लाख रुपये 25 लाख रुपये आप जमा करवाओ, वो शायद सुना अब सिर्फ एक ही बात है, उसके बाद जितनी गाड़ियाँ निकाल लो। मैं तो कह रहा हूँ हर गाड़ी पे आप एक अमाउंट फिक्स कर दो 25 लाख 30 लाख का, कि हर गाड़ी पे ड्यूटी लगेगी, वो 15 दिन बाद रिलीज़ कर दो, अगर वो माल ठीक हुआ लैब टेस्ट करवा लो, लैब टेस्ट में ओके आता है तो अमाउंट उसको दे दो, नहीं ओके आता तो अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ठीक है। उससे ये होगा कि कोई भी गलत माल लाते हो डरेगा। ठीक है। 30 लाख का माल हो गया, 30 लाख की ड्यूटी जमा हो गई, कल को अगर वो मिक्स माल हुआ तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तो 30 लाख थोड़ी ना आदमी कमा रहा है,
मेन तो मुद्दा है 5 लाख से लेके 7 लाख का, ठीक है जी, पर गाड़ी ये 2 नंबर की कमा गए तो आदमी पे ड्यूटी लगेगी, और अगर गलती हुई तो उसके ऊपर और उस पर हजाना लगा दो, ठीक है भाई, उतना अमाउंट तो जमा ही है उसका, मतलब और लगा दो। तो ये चीज़ें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि ले देखे चाइना का माल है तो ख़तरनाक भाई साहब सबके लिए। मैं कह रहा हूँ अप डाउन मार्केट को छोड़ दो, और ये हर साल की बात है, जब कमाने का किसानों और व्यापारियों का टाइम आता है ये लोग घुस जाते हैं 2 नंबर से, ठीक है जी। और ये लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, इतनी स्ट्रॉन्ग है नेपाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर की लॉबी है, सर आप और हम तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखते, 40-40 गाड़ी निकल जाए बॉर्डरों से और पता ना चले वहाँ पे जो बॉर्डर के सिक्योरिटी में खड़े हैं, ये कोई मान नहीं सकता। एक आदमी निकलना मुश्किल होता है, या तो टनों के टन गाड़ियाँ निकल रही हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं तो स्मगलिंग बहुत बड़ा रूप ले रही है जो सरकार तक पता नहीं है, और मैं ये नहीं मानता इसमें कि सरकार तक पता होगी बात कोई सरकार नहीं चाहती कि उसका नाम खराब हो, या ना कोई राज्य चाहता है। जैसे यूपी में बात आ रही है कि यूपी से बहुत माल भरा भी पड़ा, बात क्या आ रही है भरा पड़ा, अब योगी जी को पता नहीं होगा तो चल रहा है, जिस दिन पता चल गया, खैर 2 दिन पहले उनको तक बात तो पता गई है, उन तक 2 दिन पहले बात पहुंची है, उसके बाद रेडें भी पड़ी है और स्ट्रिक एक्शन भी होना चालू हो गया, और थोड़ा और पता चल जाए उनको, थोड़े और अगर वो अच्छे से सख्त हो गए तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि माल निकालना है, ठीक है जी। सरकार को पता चलना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा क्या था, मैंने जितनी बार बोला ट्वीट करो ट्वीट करो कि सरकार तक बात पहुंचे, मेन मुद्दा ये था, ठीक है जी। तरीके दो होते हैं, तो विरोध करके पहुंचो या तरीके से बात रखिए आप, मैं नहीं कहा गिड़गिड़ाइए, अपना सम्मान जीवित रखिए, अपना खुददारी जीवित रखिए, और उसके बाद सरकार के आगे बैठिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कि नहीं, नहीं पता तो हम बता दें, और उस पर आप चेक इंक्वायरी करिए, हो सकता है जो आपको बता रहा हो गलत हो, आप इंक्वायरी करिए, ठीक है जी, तो पता चलेगा सही है या गलत है, गलत है तो उन पर आप एक्शन करिए, ठीक है जी। तो इसी मुद्दे को लेते हुए हम 13 तारीख को सर होंगे क्या नाम मंदसौर में, और 14 को हम सुबह मिलेंगे उज्जैन, बाबा महाकाल का रात का मत्था टेकेंगे, उनके दर्शन करेंगे, और सुबह उज्जैन मंडी में होंगे, उम्मीद है 7 बजे, और वहाँ से हम निकल जाएंगे 12 या 1 बजे 1 बजे, 12 तो नहीं होगा, 1 बजे हम होंगे इंदौर, हम होंगे छोगाला है, मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, इंदौर मंडी में भी जाएंगे, इंदौर मंडी वाले बुलाएंगे तो मंडी में भी जाएंगे, नहीं तो हमारे मित्र ने बुलाया हुआ है वहीं पे छोगाला में ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आराम से चर्चा हो जाएगी। ये छोगाला मैरिज गार्डन है, यहाँ मैं 1 बजे इंदौर में मिलूँगा। ये कहाँ से है छोगाला, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, मैं 1 बजे यहीं मिलूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए, ठीक है जी, मैं वहाँ से दिल्ली के लिए फिर निकल जाऊँगा, घंटा दो घंटा छोगाला मिलूँगा, 1 बजे तक मैं छोगाला आ जाऊँगा, ठीक है जी, उज्जैन में इंदौर में, ठीक है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा परसों को सुबह 9 बजे मंदसौर में, 13 तारीख को 9 बजे मंदसौर में। एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको कि जो हमने मंत्री जी को ज्ञापन देना है, तो सब कह रहे थे यार क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो भाई साहब मैंने ना एक ये बनवाया है कि ये आप देख लीजिए, इस लेटर को आप लोग प्रिंट करवा लीजिए, किसान भी दे सकते हैं अपना, एक आराम से A4 की शीट पेपर प्लेन पेपर पे प्रिंट करवा लीजिए, और नीचे अपना नाम और फ़ोन नंबर और गांव का नाम ये लिख के आप दे सकते हैं, व्यापारी भाई अपने लेटर पैड पे ये प्रिंट करवा दीजिए और अपना वो दे दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेटर होंगे तो ये समझ लें उतना ही मजबूती से हम लोग अपनी बात रख पाएंगे सांसद महोदय पे। क्या चीज़ और आगे ये है जी, ये आप इसको थोड़ा आराम से जिससे सब पढ़ लें, और इसको फ़ोटो खींच के
ये लोग इसका प्रिंट करवा लें, आराम से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। एक मिनट, सीओ में सांसद दिया माननीय सांसद बंसीलाल गुज्जर जी, हो सकता है इसमें कोई भाषा में गलत रही हो कोई, तो आप अपने आप से करेक्ट भी कर सकते हैं। ये जल्दी में मैंने बना के इस पर डाल दिया है, आप इसको, मैं अपने स्टेटस पे भी, स्टेटस पे डालना ठीक नहीं रहेगा, आप इसी से फोटो खींच लीजिएगा। इसको जूम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है जी, इसको प्रिंट करवा लो, स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हैं इसको। उस पेपर मैं ले आऊंगा प्रिंट करके, आप वहाँ पे हाथ के साइन करके भी दे सकते हैं, जो ये ना कह सके मेरे पे भी मिलेंगे हाथ के साइन करके। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 10,000-20,000 पेपर, तो कम से कम हम उन पे बात मजबूती से रख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई और मैसेज जी? भाई जी मिलते हैं फिर तो वहीं पर। ठीक है, बाकी कहीं भी टेंशन नहीं है, घबरा के माल नहीं निकालना, आराम आराम से निकालिए, कोई भी मंदा कह के हमने माल नहीं बेचा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो चलो जागरूक होना ही चाहिए था हमारे को, और उस घबराहट में 40-50 रुपये टूट गए, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था ये 50 गाड़ी 80 गाड़ी वैल्यू कुछ भी नहीं रखती सर, जो आ गई। हाँ, इनको और आगे ना आए इसके लिए हमारे को, मैं तो बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, अगर आपने मेरे इंटरव्यू सुने होंगे कि 200 के बाद खतरा चालू हो जाएगा, और 300 होते होते ही समझ लो बहुत बड़ा खतरा सामने रहेगा। ठीक है, ये लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि इनके माल तो वही 125-150 वाले हैं, इनको 200 में पड़ता आ रहा है। ठीक है जी, अब जो 200 वाली चीज़ इनकी 250-300 बिक रही है, तो भाई जी 50 रुपये किलो के हिसाब से 20 टन पे 10 लाख मिलता है, 15 टन पे 7.5 लाख मिलता है ना, 10 टन पे 5 लाख मिलता है, तो ये गेम चल रही है भाई साहब, 8-10 लाख रुपये गाड़ी की गेम है, ये क्यों छोड़ेंगे? इसलिए स्मगलर हावी हैं इस पर, तो इसी चीज़ को हमने रोकना है भाई। हमारा फर्ज बैठता है कि अगर जनता कुछ खा रही है और हम लोगों के थ्रू जा रहा है, मैं नहीं करता तो और तो खरीद दे। ठीक है जी, कम से कम गंद तो ना खिलाएं, ऐसी चीज़ तो ना खिलाएं जो विदेशों में भी बैन हो रही है। अमेरिका की संसद में अगर ये मुद्दा उठ गया तो समझो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है जी, अब वो क्यों रोका गया, क्यों रुका, क्या हुआ, मेन है सब्स्टिट्यूट नहीं है उन लोगों के, वहाँ पे चाइना के अलावा सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमारे पास तो हमारा लहसुन बहुत है। ठीक है जी, हमारे को कोई जरूरत नहीं विदेशी लहसुन की भाई, आज अगर नहीं भी आता तो भी ये सफिशेंट है अभी क्रॉप, अभी तो ये बारिश हो गई तो एक महीना आगे हो गई, ये तो सफिशेंट थी क्रॉप, तो बारिशें नहीं होती तो नहीं क्रॉप आपको 15-20 दिसंबर में आ जाती, 15-20 जनवरी में आएगी, तो सफिशेंट क्रॉप है। रेट, हाँ मैं कहता हूँ रेट यही चलेंगे, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जैसे प्याज था 5-10-20 रुपये वाली चीज़ 100 पे जा रही थी और वो 40-50 पे रुकी हुई है, इतना कम भी नहीं है कि ये 250 वाला 500 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये हो तब उसके बाद सरकार मंगवाए चलेगा, लेकिन अभी तो मंगवाने का कोई यूज़ ही नहीं है, अभी सफिशेंट माल पड़ा। ठीक है जी, हाँ बाकी राणा जी भाइयों मना कर रहे हैं आने के लिए, मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत खराब कह रहे हैं कि दर्द ज़्यादा, तो हमने उनको कहा है कि चलेंगे, आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, अब आप अपना कमेंट में इनको बोल देना। क्यों गड़ीस रहे जी मेरे को? नहीं कोई गड़ीस नहीं, आपको गाड़ी पर आराम से लेके चलेंगे, हवाई जहाज से ले चलेंगे राणा जी, चिंता नहीं करो आप, ज़्यादा दर्द है जी कमर में। आप भाइयों कमेंट में राणा जी को अपने आप समझा लेना, कैमरा और माइक दे दूंगा जी आपको, आप भाई राणा को कहाँ से लेके जाएंगे, राणा का चेहरा, राणा की आवाज है ना जी, मूछे देखो क्या मूछे तो भैया देखते हैं जी कैसा रहेगा जी। नहीं नहीं सब बढ़िया रहेगा, आप तो भगवान जी से दुआ मांगो कि आपने बाबा के दर्शन करने, ये सब चीजें छोड़ो, आप तो सोचो भगवान जी के दर्शन करके आने हैं तो अपने आप ठीक हो जाओगे। ठीक है जी, और भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ये एप्लीकेशंस लाएंगे, मैंने मैटर दे दिया, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बात रख सकेंगे मजबूती से, और जितनी मजबूती से हम बात रखेंगे उतनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। मेरी सांसद महोदय से बात हुई थी,
उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो आगे भी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कॉल करेंगे और अपने राज्य के मुख्यमंत्री से भी हो सकता है मिलवाएं या खुद जाएं, तो वो अपनी अपने तरीके से जो उनका तरीका है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं मैं पूरा साथ देने को तैयार हूँ, है ना जी। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस दे सकते हैं व्यापारी और किसान, वो आप लाइए और हम देंगे। धन्यवाद भाव जी, बहुत राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।